चलिएगा तो हम स्टार्ट करेंगे। जो टॉपिक हमारा चल रहा है उसमें आ जाता है अब बैटल ऑफ बक्सर। ठीक है, तो बक्सर का युद्ध, सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन ये है कि युद्ध किस किस के बीच में लड़ा गया था। तो इस युद्ध के पीछे जो अगर देखा जाए किस किस के बीच में लड़ा गया है, तो एक कंबाइंड फोर्स हम बोलेंगे और दूसरा होगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की फोर्स। ठीक है, कंबाइंड फोर्स में कौन कौन थे, तो तीन नाम आप लोगों को ध्यान में रखना है। अवध के नवाब शुजाउद्दौला, दूसरा मुगल सम्राट शाह आलम, द्वितीय जिनके बचपन का नाम अली गौहर था, और तीसरा नाम आता है मीर कासिम जो बंगाल के नवाब थे। ठीक है, तो इन तीन लोगों की कंबाइंड फोर्स थी, और एक तरफ ब्रिटिशर्स थे, अंग्रेज थे, ईस्ट इंडिया कंपनी की फोर्स थी। इनकी फोर्स को लीड कर रहा था हेक्टर मुनरो। ठीक है, तो एक तरफ हेक्टर मुनरो की फोर्स है ईस्ट इंडिया कंपनी की, और एक तरफ इन लोगों की कंबाइंड फोर्स। इन लोगों के पास लगभग 40,000, 40,000 की सेना थी, और इस तरफ अगर बात की जाए तो लगभग 7,000, 7,000 लोगों की फोर्स थी, है ना। उन 7,000 में मैक्सिमम जो थे वो इंडियंस ही थे, तो ज़्यादा इंडियंस थे, कुछ लोग जो थे वो ब्रिटिशर्स थे। ठीक है, हालांकि इंडियंस को ट्रेंड कर दिया गया था, यूरोपियन जो ट्रेनिंग थी उस हिसाब से ब्रिटिश एयर आर्मी के हिसाब से ट्रेन किया गया था। ठीक है, तो इंडियन सोल्जर्स भी यूरोपियन सोल्जर्स की ही तरह युद्ध लड़ रहे थे ब्रिटिशर्स की ओर से, क्योंकि वो भी ट्रेंड थे। ठीक है, चलिए, तो ये जो युद्ध है ये कहाँ लड़ा गया, ये युद्ध लड़ा गया बक्सर नामक स्थान पर। और बक्सर की अगर बात की जाए तो बक्सर इज अ स्मॉल फोर्टिफाइड टाउन इन बिहार। ठीक है, तो सबसे पहली बात, बक्सर इज लोकेटेड इन बिहार। और बक्सर कहाँ पर आता है, तो बक्सर गंगा नदी के तट पर आता है। ठीक है, गंगा नदी के तट पर, पटना से पश्चिम की ओर जब हम जाते हैं तो पटना से 130 किलोमीटर की वेस्ट की ओर जो सिटी आती है वो एट द बैंक ऑफ गंगा रिवर, कौन सी सिटी होगी, बक्सर। तो बक्सर नामक स्थान पर ये युद्ध लड़ा गया दोनों ही सेनाओं के बीच में, और आप सभी को पता है कि रिजल्ट हमें पता है। इन दैट बैटल ब्रिटिशर्स डिसिसिवली डिफीटेड द कंबाइंड फोर्स ऑफ कंबाइंड फोर्स ऑफ इंडियन रूलर्स। तो इंडियन रूलर्स की कंबाइंड फोर्स को निर्णायक तौर पर हरा दिया जाता। ठीक है, और यहाँ पर अंग्रेजों की जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है, जो मिलिट्री पावर है, वो साफ तौर पर दिखाई देती है, क्योंकि पलासी में तो कंस्पायरेसी थी, यहाँ पे एक्चुअली जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है, जो मिलिट्री टेक्निक्स है, जो स्ट्रेटेजी अंग्रेज लोग बना सकते थे, जो बनाते थे, वो आपको बक्सर में साफ तौर पर दिखाई देती है। ठीक है, चलिए, तो बक्सर का युद्ध यहाँ पे जीत चुके हैं, बक्सर का रिजल्ट आ चुका है, और बक्सर के रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक होते हैं, काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक होते हैं इंडिया के हिस्ट्री के हिसाब से, क्योंकि इसके बाद ना अंग्रेजों का जो नियंत्रण है इंडिया में 100 ईयर तक, 100 साल तक रहना तय हो जाता है। ठीक है, 100 ईयर तक तो अब ये एडमिनिस्ट्रेशन या रूल इंडिया पर कर ही लेंगे, ये चीज़ फिक्स हो जाती है, यानी इतने घातक रिजल्ट्स हमें देखने को मिलते हैं बैटल ऑफ बक्सर के। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे परिणाम के ऊपर डिस्कस करेंगे, रिजल्ट्स के ऊपर गौर करेंगे कि आखिर बक्सर के युद्ध के क्या रिजल्ट्स, क्या परिणाम आते हैं। ठीक है, चलिएगा तो देखते हैं अपन। तो यहाँ पे अगर बात की जाए तीन लोगों की, शुजाउद्दौला की, शाह आलम द्वितीय की और मीर कासिम की, इन तीनों के साथ क्या क्या हुआ है आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर के युद्ध के बाद, हम इन तीनों के बारे में बात करेंगे और जो रिजल्ट्स हैं उसकी बात करेंगे। ठीक है, और साथ ही बंगाल में क्या हुआ है उसके ऊपर भी फोकस करेंगे, क्योंकि अब पूरी तरह से विक्ट्री हो चुकी है बंगाल पर, कंप्लीटली बंगाल पर विजय हो चुकी है, बट फिर भी डायरेक्ट जो रूल है वो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, यहाँ पे ड्यूअल गवर्नमेंट का कंसेप्ट लाया गया था। चलिए बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करें मीर कासिम की। तो युद्ध में हार हो जाने के बाद मीर कासिम भाग जाता है। ठीक है, मीर कासिम भाग जाता है और भाग कर कहीं दूर चला जाता है, राजस्थान या हरियाणा साइड, और वहीं पर 1777 में उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ना, अब यहाँ से मीर कासिम का नाम आपको सुनने को नहीं मिलेगा इंडियन हिस्ट्री में। ठीक है, यहाँ पे सारा इन्फ्लुएंस मीर कासिम का खत्म हो गया। ठीक है, बक्सर के युद्ध के बाद कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं है।
बक्सर के युद्ध के पहले जो 3-4 साल की पॉलिटिकल कंडीशन है उसमें मीर कासिम का नाम आपको सुनाई देता है। दूसरी बात की जाए, अब इन दोनों लोगों की जो सबसे इंपॉर्टेंट लोग हैं, एक शुजाउद्दौला और दूसरा शाह आलम द्वितीय, ठीक है। बक्सर के युद्ध के बाद अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है किसका, शुजाउद्दौला का, सबसे ही ज़्यादा नुकसान हुआ है शुजाउद्दौला का। फिर दूसरे नंबर पे नुकसान हुआ है किसका, शाह आलम सेकंड का या शाह आलम द्वितीय का, ठीक है। इन दोनों को अलग अलग संधियां करना पड़ी अंग्रेजों के साथ, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, और उन संधियों को कहा गया है इलाहाबाद की संधि, ठीक है। इलाहाबाद की संधि फर्स्ट एंड इलाहाबाद की संधि सेकंड। फर्स्ट इलाहाबाद की संधि हुई है शाह आलम द्वितीय के साथ और सेकंड इलाहाबाद की संधि की गई है शुजाउद्दौला के साथ, ठीक है। क्लियर हो गई बात आप लोगों को। 12 अगस्त 1765, 12 अगस्त 1765 एंड 14 अगस्त 1765 को ये ट्रीटी साइन की गई थी, ये संधियां की गई थी दोनों के बीच में। तो सबसे पहले हुई है शाह आलम द्वितीय के साथ इलाहाबाद की संधि या फर्स्ट इलाहाबाद ट्रीटी विथ द शाह आलम सेकेंड द मुगल इम्पीरियर, दैट वॉज साइंड ऑन 12 अगस्त 1765, 12 अगस्त 1765 को। देखिए यहाँ पे ना, यहाँ पे क्या था कि आप लोगों को पता है कि इस समय पर ना 1764 तक बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वो आपका हुआ करता था बेंसी टाट, है ना। गवर्नर कौन था, बेंसी टाट था। अब जब ये युद्ध को जीत लिया था तो कुछ समय के लिए रुका गया संधियों के लिए और बुलवाया गया किसे, उस योग्य व्यक्ति को जो यहाँ की पॉलिटिक्स से और ईस्ट इंडिया कंपनी की सारी कंडीशन से पूरी तरह वाकिफ था, पूरी तरह एक्सपर्ट था, कौन, रॉबर्ट क्लाइव। तो रॉबर्ट क्लाइव को बुलवाया गया, उसका बेट किया गया और जब वो आ गया तब ये संधियाँ साइन की गई। इन संधियों के क्या प्रोविजंस रखने हैं, क्या कंसेप्ट, क्या कंडीशंस रखनी है इंडियन रूलर्स के सामने, वो कंडीशंस भी तैयार करी किसने, रॉबर्ट क्लाइव। तो रॉबर्ट क्लाइव के आने के बाद यहाँ पे संधियाँ की गई 65 में, 1765 में। देखिए सबसे पहले शाह आलम द्वितीय पूरी तरह से अब किस पर आश्रित हो चुका है, पूरी तरह से अंग्रेजों पर या ईस्ट इंडिया कंपनी पर आश्रित हो चुका है और अब ये ईस्ट इंडिया कंपनी का पेंशनर बन चुका है। इसे क्या दी जाएगी, अब 26 लाख 26 लाख रुपए एनुअल इसकी पेंशन क्लियर कर दी गई, डिक्लेयर कर दी गई है कि नाउ द शाह आलम सेकेंड बिकेम द फर्स्ट पेंशनर मुगल इंपीरियर एंड द एनुअल पेंशन वॉज 26 लाख। तो 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन तय कर दी गई है और अब वो पहला मुगल बादशाह बन गया है जो ईस्ट इंडिया कंपनी का पेंशनर बन गया। पूरी तरह किसकी दया दृष्टि पर आश्रित हो चुका है, पूरी तरह किसकी दया पर आश्रित हो चुका है, EIC की दृष्टि पर, ठीक है, दया पर, ठीक है। दूसरी बात, बिहार उड़ीसा और बंगाल के जो दीवानी अधिकार थे, समझे बात को, बिहार बंगाल और उड़ीसा के जो दीवानी अधिकार थे वो किसको दे दिए हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिए, किसने, मुगल बादशाह की ओर से। मुगल बादशाह की ओर से दीवानी अधिकार बंगाल बिहार और उड़ीसा के किसे मिल गए हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी को। दीवानी अधिकार का मतलब समझते हैं ना, दीवानी राइट का मतलब होता है कि सारे के सारे फाइनेंशियल रिलेटेड राइट्स, सारे के सारे टैक्सेस से रिलेटेड राइट। तो टैक्स वसूलने के अधिकार किसे मिल गए हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गए हैं, किसकी ओर से मिल गए हैं, मुगल बादशाह की ओर से मिल गए, ठीक है। हालांकि बंगाल बिहार उड़ीसा इंडिपेंडेंट था बंगाल के नवाब के नियंत्रण में, लेकिन बंगाल का नवाब तो युद्ध हार गया है, ठीक है, और बंगाल के नवाब को भी ये राइट किसके नाम से मिलते हैं, तो वो आंसर जो होगा वो होगा मुगल बादशाह। देखिए पूरे इंडिया का जो बादशाह था वो कौन था, मुगल बादशाह, भले नाम मात्र के लिए है लेकिन है तो भाई। तो मुगल बादशाह की ओर से तीन जगहों की दीवानी अधिकार मिल गए हैं किसे, ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है। फिर अगर हम बात करें तो अवध के जो नवाब थे शुजाउद्दौला, अवध के नवाब को किसी जमाने में, किसी समय पर इलाहाबाद और कड़ा नाम से दो राज्य या दो प्रांत दिए थे। इलाहाबाद और कड़ा के जो क्षेत्र थे वो दिए थे अवध के नवाब को, किसने, मुगल बादशाह ने। तो अवध के नवाब को इलाहाबाद और कड़ा दिए गए थे सफदरजंग शुजाउद्दौला के समय पर, इन्हें क्या कर लिया गया, वापस ले लिया गया और किसे दे दिया गया, मुगल बादशाह को, ठीक है। तो ये बात समझना है कि अवध के नवाब से इलाहाबाद और कड़ा लेकर मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को दे दिए गए, ठीक है, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को सौंप दिए गए, ठीक है। तो ये आप लोग समझ गए होंगे कि ये हुआ है, ये किया गया है, ये ट्रीटी की गई है इलाहाबाद की संधि प्रथम मुगल बादशाह के साथ, और ये सारे के सारे जो प्रोविजंस थे जो मैंने बता दिए। और ये अब जो मुगल बादशाह है ना, ये कहाँ पर रहने वाले हैं, ये रहने वाले हैं इलाहाबाद में। ये इलाहाबाद का जो किला है, जो फोर्ट है, वहाँ वो इनका रेसिडेंस हो गया है और एक प्रकार से कैदी की तरह वो वहाँ पर निवास करेंगे, ठीक है, इलाहाबाद किले में। और फिर इन्हें आज़ाद कौन कराएगा, तो 1772 में
मुगल बादशाह को आजाद कराएंगे कौन? जो मराठा सरदार होते हैं आपके ग्वालियर के, ग्वालियर के जो मराठा सरदार थे जीबाजी सिंधिया, मल्हार राव सिंधिया है ना, सॉरी मल्हार राव होलकर, मल्हार राव होलकर के द्वारा, सॉरी मल्हार राव होलकर भी नहीं, सिंधिया थे है ना। तो सिंधिया जो ग्वालियर के रूलर्स थे, जो सरदार थे मराठा सरदार, और उस समय जो पेशवा थे वो थे माधव राव। तो ग्वालियर के जो मराठा सरदार थे उनके द्वारा क्या किया जाता है, माधोजी सिंधिया, माधोजी सिंधिया के द्वारा उन्हें वहां से दिल्ली लाया जाता, ठीक है, 72 में, 1772 में इंडिपेंडेंट किया जाता, स्वतंत्र किया जाता, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है। खैर, फिलहाल हम बात करें, अब शासन की बात की जाए, कहाँ के, बंगाल के शासन की बात की जाए, तो बंगाल का जो शासन था, अब यहाँ पे चलेगा द्वैध शासन। बंगाल में कैसा शासन शुरू हो गया, द्वैध शासन। देखिए आप लोग ये समझें कि जब हम शासन की बात करते हैं तो दो चीजें आप लोगों को समझना होता है। जब हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, तो दो चीजें आप लोग समझें, हालांकि पहले ही बताया है मैंने आप लोगों को। एक होता है सारा का सारा प्रशासन, सारा का सारा एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो एक होता है पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं, अलग अलग विभाग आ जाते हैं। जैसे कि इसमें जुडिशरी यानी न्याय विभाग आ जाता है, इसमें पुलिस व्यवस्था यानी कि पुलिस सिस्टम आ जाता है, इसी में चिकित्सा या स्वास्थ्य विभाग भी आ जाता है, ठीक है। और इसी में रोड से रिलेटेड जो पूरा विभाग है वो आ जाता है। इसी में जो वेलफेयर डिपार्टमेंट होता है ना, कल्याण विभाग, जिसमें कि आपका साफ सफाई, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सारी जो व्यवस्थाएं हैं, ये सारा का सारा जो है ये पूरा एडमिनिस्ट्रेशन वाला पार्ट कहलाता है, शासन वाला भाग कहलाता है। लोकल गवर्नमेंट भी हो गई, जिसमें पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका, वो सारी चीजें एडमिनिस्ट्रेशन वाला पार्ट कहलाती है। इसे हिंदी में कहा जाता है निजामत। क्या कहा जाता है, निजामत। तो निजामत ये एक चीज होती है एडमिनिस्ट्रेशन वाले पार्ट में, और दूसरी चीज जो होती है वो होती है दीवानी, जिसे हिंदी में बोलेंगे दीवानी, और इंग्लिश में इसे बोला जाएगा फाइनेंशियल राइट्स, ठीक है। फाइनेंस, फिनांस से रिलेटेड जो काम है वो भी एडमिनिस्ट्रेशन में ही आता है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन में एक पूरा एडमिनिस्ट्रेशन और एक होता है फाइनेंशियल या टैक्सेशन से रिलेटेड, कर प्रणाली से संबंधित एक दूसरा पार्ट आपका होता है, ठीक है। इसे हिंदी में बोलते हैं दीवानी अधिकार। तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी अधिकार लिए थे इन्होंने, ना कि कौन से, निजामत के चाहते तो वो ये भी ले सकते थे, बट ये जानबूझकर नहीं लिए, सिर्फ और सिर्फ कौन से लिए, दीवानी। क्योंकि अभी ईस्ट इंडिया कंपनी का बेसिक टारगेट ही क्या था, मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना, और किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी में वो नहीं पड़ना चाहते थे। अगर वो ये भी संभालते तो उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती, और वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी में फिलहाल पड़ना नहीं चाह रहे थे, उनका टारगेट प्रॉफिट अर्न कर। और भी कई प्रॉब्लम्स थी, और भी कई पॉइंट्स थे, जिस कारण उन्होंने ये काम हाथ में नहीं लिया, सिर्फ कौन सा काम हाथ में लिया, दीवानी अधिकार, ठीक है, जिसके माध्यम से ये मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। कैसे, टैक्स के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगाकर, ज़्यादा कड़े तरह से, ज़्यादा हार्ड तरीके से टैक्स को वसूल करके। तो ये जो पूरा का पूरा राइट था वो आ चुका था अंग्रेजों के हाथ में, ठीक है। टैक्स कितना वसूलना है, टैक्स कौन वसूलेगा, किस व्यक्ति पर या किस किन लोगों पर, किन कम्युनिटीज पर टैक्स लगेगा, किन पर नहीं लगेगा, ये सारे के सारे जो राइट्स हैं वो किसके हाथ में आ चुके हैं, वो आ चुके हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में, ठीक है। और अब इसके द्वारा, इन सारी चीजों के द्वारा, वो इंडिया के लोगों का, इंडिया के फार्मर्स का, लोकल सिटीजन्स का काफी ज्यादा शोषण करने वाले हैं, एक्सप्लोइटेशन करने वाले, ठीक है। अब हम बात करते हैं इलाहाबाद की, जो सेकेंड ट्रीटी हुई थी 16 अगस्त को, 12 अगस्त और फिर 16 अगस्त, 14 को नहीं, 16 ऑफ अगस्त को 1765, विद सुजाउद्दौला। तो यहाँ पे मैंने बताया ना कि इन तीनों की बात करना, ये तो भाग गए थे, और 1777 में इनकी डेथ हो गई थी। इनके साथ क्या हुआ, इनकी ट्रीटी, इनके साथ एक ट्रीटी हुई इलाहाबाद की प्रथम, जिसमें मैंने सारे प्रोविजन आपको बताए, और अब ये इलाहाबाद इनका रेसिडेंस हो गया, और 26 लाख एनुअल इनकी क्या हो गई, पेंशन तय कर दी गई। और हम बात करते हैं इनकी, सुजाउद्दौला की, सुजाउद्दौला के साथ क्या हुआ है। तो सुजाउद्दौला को 16 अगस्त 1765 में इलाहाबाद की दूसरी संधि के ऊपर साइन करना पड़ा, और क्या क्या प्रोविजंस रहे हैं सुजाउद्दौला के साथ। तो सबसे, मैंने बोला सबसे ज्यादा नुकसान ही किसका हुआ था इस युद्ध में, सुजाउद्दौला का। देखिए, सुजाउद्दौला को 50 लाख रुपए तुरंत क्या करने पड़े, कंपनी को देने पड़े, क्योंकि ये हरजाना जो था कंपनी को वसूलना था किसी से, तो कितने रुपए वसूले हैं, 50 लाख रुपए, किससे वसूले, सुजाउद्दौला से। ऑब्वियसली सुजाउद्दौला का जो राज्य था ना, काफी वेलफेयर था, काफी संपन्न था, क्योंकि ये पूरा का पूरा एग्रीकल्चर लैंड था,
पूरा का पूरा कृषि वाला क्षेत्र आता है अवध, जो गंगा यमुना के जो दोआब वाला जो क्षेत्र है उसमें उसमें आता है लगभग, ठीक है। तो काफ़ी वेलफेयर था, तो 50 लाख रुपीस जो है इनसे लिए गए हैं वॉर के हर्जाने के रूप में, युद्ध के हर्जाने के रूप में, ठीक है। दूसरी चीज, इलाहाबाद और कड़ा जो इनके पास थे वो किसे सौंप दिए गए, मुगल बादशाह को सौंप दिए गए, ये चीज मैंने अभी बताई थी क्योंकि उसमें भी आएगी। तो इलाहाबाद और कड़ा इन्हें सौंप दिए गए। इसके अलावा चुनार का जो एक फोर्ट था, चुनार का जो एक किला आता है, ठीक है, ये देखा जाए तो यूपी का जो बिहार वाला से जो लगने वाला जो क्षेत्र है वहां पे कहीं आता है चुनार फोर्ट, चुनार का किला। तो चुनार फोर्ट जो जिसे अवैध किला माना जाता है, जिसे एकदम महत्वपूर्ण जो है टेक्टिकल दृष्टि से देखा जाए तो काफी मजबूत फोर्ट माना जाता है, ठीक है। तो चुनार का किला भी सौंप देना पड़ा है किसे, अंग्रेजों को। चुनार का किला किसे देना पड़ा, अंग्रेजों को देना पड़ा, क्योंकि टेक्टिकली अगर बात की जाए तो काफी अच्छी लोकेशन पर था चुनार फोर्ट, तो अंग्रेजों ने चुनार का किला भी ले लिया। नवाब के खर्चे पर एक ब्रिटिश फोर्स, एक अंग्रेज सेना को अवध में रखने की अनुमति भी ली गई, ठीक है। तो अवध में एक ब्रिटिश फोर्स रखी जाएगी किसके खर्चे पर, नवाब के खर्चे पर। तो नवाब के खर्चे पर अवध में एक ब्रिटिश फोर्स रखने की बात पर भी यहां पर इन्हें मंजूरी देना पड़ी है, ठीक है। तो ये प्रोविजंस मैंने बताया आप लोग, कितने प्रोविजंस हो गए, चार प्रोविजंस जो मैंने बताए हैं। अवध के नवाब के साथ क्या क्या हुआ, तो 50 लाख रुपए देना पड़े, कड़ा और इलाहाबाद हाथ से चले गए, साथ ही अपने ही क्षेत्र में ब्रिटिशर्स की फोर्स को रखना पड़ा है अपने खर्चे पर, ठीक है। तो इस तरह से अवध के नवाब का काफी नुकसान हुआ, काफी ज्यादा यहाँ पे इनके साथ में गलत चीजें यहाँ पे की गई, ठीक है। हालांकि युद्ध हारे भी थे तो ये सब झेलना भी था, ठीक है। अब बंगाल की क्या कंडीशन थी, तो वो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताई। बक्सर के युद्ध के कुछ दिनों के बाद मीर जाफर की डेथ हो जाती है, समझ गए ना, बक्सर के युद्ध के कुछ दिनों के बाद ही क्या हो जाती है, मीर जाफर की डेथ हो जाती है, और बंगाल का अगला नवाब बनाया जाता है नजमुद्दौला को, ठीक है। नजमुद्दौला कौन था, नजमुद्दौला वॉज द सन ऑफ मीर जाफर, तो मीर जाफर के ही पुत्र जो थे नजमुद्दौला, उनको बना दिया बंगाल का नवाब। नजमुद्दौला बिकेम द नेक्स्ट नवाब ऑफ बंगाल, बंगाल के अगले ही नवाब कौन बन गए, नजमुद्दौला बन गए। कब से कब तक, 1765 से 1772 के दौर में बंगाल के नवाब बने नजमुद्दौला, ठीक है। और पूरी तरह से अगर बात की जाए ना, तो नजमुद्दौला ऑब्वियसली पूरी तरह से कैसे रूलर हैं, पूरी तरह से पपेट रूलर हैं, पूरी तरह से कठपुतली शासक हैं, किसके, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के कठपुतली रूलर के रूप में इन्हें अपॉइंट किया गया, और कब तक, 1772 तक। 1772 आते आते जो डुअल सिस्टम यहाँ पे लाया गया था, जो डुअल गवर्नमेंट सिस्टम या द्वैध शासन प्रणाली जो क्लाइव ने शुरू करी थी बंगाल में, उसके बैड इम्पैक्ट्स दिखने लगे हैं, उसके दुष्प्रभाव दिखने लगे हैं। और जो अगला गवर्नर जनरल आया है बंगाल का, समझ गए ना, उसने क्या किया है, उसने इस डुअल गवर्नमेंट सिस्टम को ख़त्म कर दिया है, और सारे के सारे जो राइट्स हैं एडमिनिस्ट्रेशन के, यानी कि निजामत और दीवानी तो पहले से ही थे, इन दोनों को अपने हाथों में ले लिया है, और जो नवाब है इसे फ्री कर दिया, ठीक है। नवाब को क्या कर दिया गया, फ्री कर दिया गया 1772 में। और एडमिनिस्ट्रेशन के जो दोनों डिपार्टमेंट होते हैं, जो दोनों विभाग, दो भाग होते हैं, निजामत भी अपने हाथ में ले लिया, दीवानी पहले से था, सारे के सारे राइट्स अपने हाथ में ले लिए, और इन्हें कर दिया है फ्री, ठीक है। और इन्हें दे दी गई है 16 लाख एनुअल की पेंशन, 16 लाख रुपए एनुअली पेंशन इनकी बांध दी गई, और इनके इन्हें बोल दिया कि फ्री है, समझ गए। इसके पहले क्या करते थे, इसके पहले 1772 तक ये काम संभालते थे निजामत के, और अंग्रेज काम संभालते थे फाइनेंशियल, ठीक है। और देखिए, स्टेट में ना, किसी भी राज्य में, किसी भी टेरिटरी में सबसे बेसिक, सबसे इंपॉर्टेंट जो रीढ़ की हड्डी कही जाती है, वो कही जाती है दीवानी अधिकार, क्योंकि पैसा जो है, इनकम जो है, रेवेन्यू जो है, वो तो यहीं से जनरेट होना है। तो अगर रेवेन्यू ये जनरेट कर रहे हैं, तो फिर ये कैसे एडमिनिस्ट्रेशन कर पाएंगे, इन्हें पैसा कहाँ से मिलेगा। तो यहाँ से EIC के द्वारा इन्हें पैसा दिया जाता था, इन्हें कुछ अमाउंट दिया जाता था, लगभग 53 लाख, जिसके माध्यम से ये पूरा एनुअली, पूरे साल भर में अपना प्रशासन संभालेंगे, ठीक है। लेकिन ये सब कब तक चलता रहा, ये 72 तक चलता रहा, उसके बाद इन्होंने फ्री कर दिया। तो डुअल गवर्नमेंट की अगर बात की जाए, तो ये लाया गया था
और इसके क्या रिजल्ट्स वगैरह हैं उसके ऊपर भी बात कर लें। तो सबसे पहले बात करते हैं द्वैत शासन प्रणाली किसने शुरू की। रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा 1765 में द्वैत शासन प्रणाली शुरू की गई थी। ठीक है, सारा बैकग्राउंड मैंने आप लोग बता दिया है के द्वारा शुरू की गई थी, जो 1772 में वॉरेन हेस्टिंग नामक जब गवर्नर जनरल आता है, समझ गए ना, 1772 में गवर्नर बनकर आया है, गवर्नर जनरल नहीं, क्या बोलते हैं, गवर्नर बनकर आया है बंगाल का। ठीक है, कौन, वॉरेन हेस्टिंग्स। ध्यान रखिएगा 1757 बलासी के युद्ध के बाद बंगाल में बंगाल का गवर्नर कौन बनता है, रॉबर्ट क्लाइव बनता है। रॉबर्ट क्लाइव 60 तक रहेगा और 59 में वेंसिटाट आ जाता है। 63 तक कौन रहता है, वेंसिटाट, 64 तक वेंसिटाट रहता है, फिर क्लाइव फिर आया है, और फिर क्लाइव के जाने के बाद 1772 में, है ना, 72 में कौन आपका, कौन बंगाल, कौन गवर्नर बन जाता है बंगाल का, बंगाल का गवर्नर बन जाता है आपका वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, और फिर जब 73 में वॉरेन हेस्टिंग आ गया, फिर 73 में क्या होता है, रेगुलेटिंग एक्ट आ जाता है। 1773 में आता रेगुलेटिंग एक्ट, और ये जो गवर्नर होता बंगाल का, इसे गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। ठीक है, बंगाल का गवर्नर क्या बन गया, बंगाल का गवर्नर जनरल, और साथ ही मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी जो अंग्रेजों की बन चुकी थी वहां पर भी गवर्नरों का हेड हो जाता है बंगाल का गवर्नर जनरल। तो बंगाल के गवर्नर जनरल अब एक हायर पोस्ट बन गई है, और दोनों प्रेसिडेंसियों के गवर्नर उसके अंडर कंट्रोल में है, किसके, बंगाल के गवर्नर जनरल। ठीक है, अब देखिए यहां पे, तो ये वॉरेन हेस्टिंग्स 72 में इस प्रणाली को खत्म कर देता है। इसका अर्थ आप लोग समझ गए होंगे, अर्थ ये होगा कि दो लोगों के बीच अधिकारों का होना, डुअल गवर्नमेंट का सिस्टम है, दो लोगों के बीच अधिकारों का होना। दो लोग कौन कौन है, एक बंगाल का नवाब है जिसे ये काम संभालना है, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल या जो जितने भी ऑफिसर्स हैं उन्हें कौन से अधिकार संभालना है, जिन्हें कौन से काम करना है, दीवानी या टैक्सेशन या फाइनेंशियल वाले सारे काम। तो जब बक्सर का युद्ध अंग्रेजों ने जीता तो बंगाल का शासन अपने हाथों में पूरी तरह से नहीं लिया, क्लियर। बक्सर के युद्ध के बाद चाहते तो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन ले सकते थे, लेकिन पूरी तरह से अपने हाथों में नहीं लिया। उन्होंने अब भी बंगाल के नवाब को रहने दिया और पूरे शासन की बागडोर अपने हाथों में नहीं ली। ये बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को अब पूरी तरह से, कि बक्सर के युद्ध के बाद चाहते तो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन ले सकते थे, लेकिन पूरी बागडोर अपने हाथ में नहीं ली। इन्होंने सिर्फ कुछ पर्टिकुलर टास्क लिए हैं और बाकी के काम किसको सौंप दिए हैं, बंगाल के नवाब को। ठीक है, और बंगाल के नवाब को क्या सौंपा, तो ये चीज आप लोगों को दिख रही है, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, जैसे जुडिशली है या एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी काम है, लोकल गवर्नमेंट हो जाती है, रोड या वेलफेयर वाले जो जितने भी काम हो जाते हैं वो इनके हाथ में। इसके लिए कितने रुपए दिए जाते थे, इसके लिए 53 लाख रुपीज दिए जाते थे ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से बंगाल के नवाब को, और ये सारे फाइनेंशियल काम इनके हाथ में होते थे। ठीक है, 53 लाख रुपए दे देंगे आपको साल भर में, आपको ये सारे काम संभालना है। ठीक है, अपनी भी इनकम इसी से जनरेट करना है, ये आपकी इनकम का भी यही पार्ट है, और यहीं से एडमिनिस्ट्रेशन भी करना। ठीक है, अब आप देखिए ईआईसी का क्या काम है। ईआईसी का काम सिर्फ और सिर्फ टैक्स वाला है। देखिए, अगर बात की जाए तो वास्तविक शक्ति तो ईआईसी ही है, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाह रहे हैं ना, वास्तविक शक्ति वही है, पूरा शासन वही देख रहे हैं, राजा उन्हीं के कंट्रोल में, और साथ ही उन्होंने एक नई पोस्ट भी बना दी थी, एक न्यू पोस्ट जनरेट कर दी थी, जो नवाब के एकदम क्लोज रहेगा, जो नवाब जो भी डिसीजन लेगा उस डिसीजन में इस न्यू पोस्ट के ऑफिसर की मंजूरी होना जरूरी थी। इस न्यू पोस्ट का नाम था डेप्यूटी नवाब, समझ गए, या फिर इसे नायब सूबेदार कहा गया। तो एक नायब सूबेदार नामक एक न्यू पोस्ट जनरेट की गई ईआईसी के द्वारा, और इस पर उस व्यक्ति को अपॉइंट किया गया जो ईआईसी के द्वारा नियुक्त किया जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी जिस व्यक्ति को तय करेगी ना, उसे नायब सूबेदार बनाया जाएगा। तो एक नायब सूबेदार नामक एक नई पोस्ट बनाई गई और उस पर ईआईसी का एक व्यक्ति बैठेगा। अब बंगाल में एक व्यक्ति ऐसा बैठता है जो ईआईसी का ऑफिसर है, है ना, और ये नवाब अब जो है इस व्यक्ति से बिना डिसीजन लिए, बिना डिस्कशन किए कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता। ठीक है, तो अब आप लोग ये समझे कि ईआईसी का पूरा कंट्रोल है, समझ गए, प्रशासन पर भी, फाइनेंस पर भी, सारी चीजों पर कंट्रोल है। बट दे डिड नॉट वॉन्ट टू टेक एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो यहाँ पे किसी प्रकार का दायित्व लेना ही नहीं चाह रहे हैं। हालांकि पावर पूरी रख रहे हैं, शक्ति पूरी रख रहे हैं, और जो रूल कर रहा है उस पर भी इनकी नजर है, उसको भी इन्होंने जकड़ रखा है, लेकिन कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ फायदा कमाना चाह रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ टैक्स बड़ा बड़ा कर, बड़े कड़े तरह से टैक्स वसूल वसूल कर अपनी इनकम को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो ये चीजें हो रही थी बंगाल में, और नवाब सिर्फ और सिर्फ क्या था, मुखौटा था। नवाब सिर्फ और सिर्फ क्या था, मुखौटा था। रॉबर्ट क्लाइव ने अपनी कूटनीति का प्रयोग करते हुए, जो काफी एक्सपर्ट व्यक्ति था, अपनी डिप्लोमेसी का यूज करते हुए एक नायब सूबेदार का पद सृजित किया,
जिसके द्वारा उसने नवाब की सारी शक्तियां नायब सूबेदार को सौंप दी, ठीक है, जिससे प्रशासन और दीवानी अधिकार भी कंपनी के हाथ में आ गए। दीवानी तो थे ही, प्रशासनिक अधिकार भी कंपनी के हाथ में आ गए और देखरेख भी बढ़ने लगी, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन नायब सूबेदार किसको दे देगा, ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देगा, ठीक है। मोहम्मद रजा खान को यहाँ पे पहला नायब सूबेदार बनाया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से ही उसे अपॉइंट किया गया, ठीक है। इसी पूरी व्यवस्था में वास्तविक शक्ति अंग्रेजों के पास ही थी, ठीक है, इस पूरी व्यवस्था में जो रियल पावर थी वो अंग्रेजों के पास ही थी और सिर्फ के पास थी, बट दायित्व जो था वो नहीं लेना चाह रहे थे, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाह रहे थे, रिस्पॉन्सिबिलिटी नवाब के पास उन्होंने दे रखी थी, ठीक है। अब कुछ भी गलत अगर होता है तो नाम किसका होगा, नवाब का होगा, मुखौटा कौन है, नवाब है, लेकिन सारी चीजें करने की पावर किसने ले रखी है, अंग्रेजों ने ले रखी है। आखिर इन्होंने ऐसा क्यों किया, क्वेश्चन ये आता है, आखिर ये सब कुछ पावर भी रखते हैं, सारी चीजें रखते हैं तो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन ही अपने हाथ में ले लेते, लेकिन ऐसा नहीं किया उन्होंने 64 में, क्यों नहीं किया इस बात को समझते हैं, है ना। तो व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट, इसके पीछे का बेसिक कारण क्या है, तो अंग्रेजों का जो बेसिक टारगेट था, मुख्य टारगेट था, वो क्या था, टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करना, और वो करने के लिए उन्होंने इस रास्ते को चुना, ना कि पूरा एडमिनिस्ट्रेशन चुना, ठीक है। तो यहाँ पे वो किसी प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से बच रहे थे, इसलिए उन्होंने सिर्फ एक चीज को चुना है, दूसरा प्रशासन में वो आगे नहीं पड़े, ठीक है, कोई जिम्मेदारी उन्होंने नहीं ली। इस समय तक अंग्रेज उतने योग्य नहीं थे, ना तो उनको भारतीय प्रशासनिक योग्यता अभी तक उनके अंदर डेवलप हो पाई थी, तो उतने वो योग्य नहीं थे, उतने वो डेवलप नहीं कर पाए थे अपने नॉलेज को, और उतना उनको एक्सपीरियंस नहीं था कि इंडिया में किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता, प्रशासन किया जाता है। तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव जो एलिजिबिलिटी है, जो योग्यता है, वो उसके बारे में उन्हें एक्सपीरियंस ही नहीं था, ठीक है ना। तो इंडिया में देखिए, इसका कारण ये है कि इंडिया जो है आज के समय, चाहे जो पुराना समय हो, इंडिया में ना काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटीज है, काफ़ी ज़्यादा विविधताएँ हैं, है ना। इंडिया में विभिन्न धर्म के, विभिन्न जातियों के लोग आज से नहीं, कई वर्षों से रह रहे हैं, ठीक है। अगर हम एंशियंट पीरियड की बात करें तो हिंदू धर्म के अलावा जैन और बौद्ध धर्म का भी यहीं पर डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है। फिर मुस्लिम रिलीजन भी इंडिया में आया, ईसाई रिलीजन भी इंडिया में आया, तो कई सारे धर्म संप्रदाय के लोग इंडिया में रह रहे थे। तो इनके बीच में कैसे एडमिनिस्ट्रेशन करना है, कैसे प्रशासन करना है, क्या इंडिया के कल्चरल जो प्रथाएं हैं उस समय क्या करना है, इन चीज़ों के बारे में ना इन लोगों को अभी ज़्यादा आइडिया नहीं था, इसलिए उन्होंने अभी प्रशासन को हाथ में, अपने हाथ में लेने की जो खतरा है वो अभी उन्होंने मोल नहीं लिया, ठीक है। उनके पास अधिकारियों की भी कमी थी, सबसे बड़ा अगर कारण देखा जाए ना, तो ये ब्रिटिशर्स उतने ज़्यादा नंबर में नहीं थे, इनकी संख्या काफ़ी कम थी, ठीक है। ज़्यादा बड़ी संख्या में लोग आए नहीं थे, इनके पास इतनी फोर्स ही नहीं थी, ना ही इनके पास इतने ऑफिसर्स थे जो ये काम कर पाते, तो इन्होंने इसलिए भी इस ड्यूटी को नहीं लिया, डिफिशियंसी ऑफ ऑफिसर्स के कारण, ठीक है। पूरे भारत में अगर ये मान लो एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाते, तो पूरे भारत में क्या मैसेज जाता कि एक प्राइवेट कंपनी जो व्यापार करने आई थी वो इंडिया में क्या करने लगी, प्रशासन करने लगी। और उस समय अगर ये मैसेज चला जाता तो उस समय मराठे मजबूत थे, उस समय राजपूताना मजबूत था, ठीक है, उस समय और भी कई सारे ऐसे रूलर्स थे साउथ के, नॉर्थ के, जो काफी मजबूत स्थिति में उस समय पर थे। तो जब उनके पास ये संदेश पहुंचता, जैसे पंजाब में सिखों की अगर बात करें, तो उस समय अगर ये मैसेज पहुंचता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी तो शासन करने लग रही है, तो बाकी के जो रूलर्स थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ हो जाते और वहां पर जो इनके ट्रेड सेंटर्स थे उन पर हमले होने भी शुरू हो सकते थे, ठीक है। तो अपनी इस बात को भी ध्यान में रखा कि बाकी के रूलर्स में ये मैसेज नहीं जाना चाहिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी हमें प्रशासन करने लग रही है, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। ईस्ट इंडिया कंपनी प्राइवेट कंपनी थी जिसका संचालन करने के लिए एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हुआ करता था, ठीक है। दो प्रकार के इसके पार्ट थे, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एक बोर्ड ऑफ प्रॉपर्टीज। तो सारे डिसीजन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेते थे और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का ये डिसीजन था कि कंपनी को किसी भी प्रकार की रीजनल या रीजनल जो पॉलिटिक्स है उसमें इंगेज होने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ट्रेड और प्रॉफिट पर ही क्या करना है, फोकस करना है। तो यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की ये डिसीजन था कि यहाँ पे आपको किसी भी प्रकार की क्षेत्रीय राजनीति में फंसने की जरूरत नहीं है। आर द मैक्सिमम टारगेट वॉज टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट, ठीक है। तो हमारा जो अल्टर मोस्ट टारगेट है वो क्या है, मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना, ना कि आप इंगेज हों रीजनल पॉलिटिक्स में। तो ये चीज भी हो गई। अगर मान लीजिए कंपनी प्रशासन स्टार्ट कर देती तो इससे क्या होता, इससे ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है वो ईस्ट इंडिया कंपनी पर क्या होता, बढ़ने लग रहा था, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी पर कंट्रोल ऑब्वियसली ब्रिटिश गवर्नमेंट बढ़ा देती और ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने कंट्रोल में ले लेती,
जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्रॉफिट था उस पर प्रभाव पड़ता, रेवेन्यू पर प्रभाव पड़ता, और ईस्ट इंडिया कंपनी एक कठपुतली बन जाती किसकी, ब्रिटिश गवर्नमेंट की। ठीक है, तो ये भी एक डर था कि अगर शासन अपने हाथ में ले लिया है तो ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने ऊपर कंट्रोल करने लग जाएगी। ठीक है, इसलिए भी उन्होंने यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन अपने हाथ में नहीं लिया, क्योंकि एक खतरा उन्हें अपने देश से भी था। ठीक है, और जैसा कि हम देखते हैं, जैसे ही अपने शासन को हाथ में लेते हैं 72 में, जैसे ही एडमिनिस्ट्रेशन अपने हाथ में लेते हैं, और वैसे ही 73 में आ जाता है कौन सा एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट। और रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से ईआईसी कंट्रोल कर ली जाती है, ईआईसी के सारे डिसीजन कंट्रोल कर लिए जाते हैं ब्रिटेन की पार्लियामेंट के द्वारा, यानी ईआईसी रेगुलेशन में चली जाती है ब्रिटिश पार्लियामेंट के, और अब ब्रिटिश पार्लियामेंट जो कहेगी वही ईआईसी को करना होगा। जबकि 1600 जब ये कंपनी बनी थी, 1600 से लेकर 1773 तक, जब तक रेगुलेटिंग एक्ट नहीं आया तब तक ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह फ्री थी। इंडिया में इनके ऑफिसर्स, इनके अधिकारी पूरे डिसीजन अपने हिसाब से ले रहे थे, लेकिन 73 के बाद से इस पर एक नियंत्रण बन गया था किसका, ब्रिटेन की पार्लियामेंट का। ठीक है, तो ये डर भी था और वैसा ही हुआ जैसा इनको डर था 73 से, जैसे ही इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन अपने हाथों में लिया है। ठीक है, तो क्लियर हो गई होगी बात आप लोगों को, ये सारे कारण थे जिसके कारण इन्होंने उस समय पर शासन अपने हाथ में नहीं लिया। अब रिजल्ट्स क्या हुए हैं, परिणाम क्या हुए हैं इस डुअल सिस्टम के, तो कंपनी के हाथ में सारी वित्तीय शक्तियां थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्होंने नहीं ली, कर लगाने का काम कंपनी का था, कंपनी का उद्देश्य मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना था, तो क्या करते भारतीय अधिकारियों को ये लोग नियुक्त करते, ये लोग क्या करते इंडियन ऑफिसर्स को अपॉइंट करते, और भारतीय अधिकारी किसान के पास जाते और किसानों से टैक्स वसूला करते। ठीक है, और टैक्स वसूलने के लिए ना काफी कड़े रुख के साथ, कड़े प्रकार से ये लोग क्या करते थे, टैक्स वसूलते थे। तो जब एक प्रशासक जो है, जब एक प्रशासक का टारगेट सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाए, जब एक प्रशासक का टारगेट सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट अर्न करने का हो जाए, सिर्फ और सिर्फ आप कर लगाते हैं और आप कर वसूलते हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन पर काफी ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, प्रशासन पर काफी ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, और देखिए बेसिक टारगेट तो क्या है, प्रॉफिट अर्न करना है, तो टैक्सेशन की जो रेट है वो काफी ज्यादा इन्होंने क्या कर दी है, हाई कर दी है, कर की जो दर है वो काफी ज्यादा क्या कर दी है, इंक्रीज कर दी है, जिससे दबाव बढ़ेगा जो पब्लिक है उनके ऊपर, जो फार्मर्स हैं, जो लोकल जो नॉर्मल लोग हैं उनके ऊपर काफी ज्यादा दबाव बढ़ने लगा। किसानों से बहुत अमानवीय तरीके से क्या किए गए, कर वसूले गए। ठीक है, काफी अनह्यूमेनिक वे में किसानों से कर वसूले गए और बहुत ही इनह्यूमेनिक तरीके से टैक्सेशन किया गया। इन सारी चीज़ों से, इन सारी बातों से किसानों ने आत्महत्या करना शुरू कर दी। जो लोकल बिजनेस था, जो लोकल जो व्यापार यहाँ पे किया जाता था वो कम होने लगा। ठीक है, क्राइम वगैरह बढ़ने लगे हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे समाज में देखने को मिलने लगी, क्राइम, डकैती, तो एक प्रकार से ये सारी चीज़ें देखने को मिलने लगी। और इन सारी चीज़ों का बेसिक कारण ही था डुअल गवर्नमेंट सिस्टम, क्योंकि ना तो जो नवाब है वो ठीक से रूल कर पा रहा है, क्योंकि उसके पास उतना सोर्सेस ही नहीं है, उतनी पावर ही नहीं रहने दी, और ना ही ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर पा रही है उस तरह से, क्योंकि ये लोग सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट पे फोकस कर रहे हैं, और जब एक प्रशासक प्रॉफिट पर फोकस करेगा तो ऑब्वियसली एडमिनिस्ट्रेशन खराब होने लगे। आप लोग खुद सोच सकते हैं कि जब गवर्नमेंट का टारगेट सिर्फ प्रॉफिट अर्न करने का हो जाए तो क्या ठीक तरह से देश चल पाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट का टारगेट सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है, गवर्नमेंट का टारगेट ही क्या होता है, गवर्नमेंट का टारगेट होता है वेलफेयर ऑफ सिटीजन्स, तो आप इन्हें गवर्नमेंट ही समझें, लेकिन गवर्नमेंट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट का सोच रही थी, तो प्रशासन ठीक से नहीं चलेगा, और जब प्रशासन ठीक से नहीं चलेगा तो ये सारी चीज़ें आपको समाज में देखने को मिलेगी, जैसे कि लूट, हत्या, क्राइम्स, समझ गए ना, डकैती, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बढ़ने लगी। ठीक है, और इन सारी चीज़ों से परेशान होकर ही जब वॉरेन हेस्टिंग्स इंडिया में आया, तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने क्या किया, इस डुअल गवर्नमेंट सिस्टम को ख़त्म कर दिया इन सारी प्रॉब्लम्स के कारण, और यहाँ पर इंडिया में पूरी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन अपने हाथ में ले लिया। ठीक है, पूरा बंगाल का जो प्रशासन है वो अपने हाथ में ले लिया। इसका कारण यही था कि जो अराजकता बंगाल में आ गई थी, जो अराजकता यहाँ पे बढ़ रही थी, इन सारी चीज़ों से परेशान होकर 72 में वॉरेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था, और वो इस डुअल गवर्नमेंट सिस्टम को बंद कर देता। ठीक है, और उसके कारण मैंने आप लोगों को बताए हैं। और फिर अगर देखा जाए तो बंगाल में बंगाल के जो नवाब थे नजमुद्दौला, उनके बारे में बता ही चुका हूँ, 16 लाख रुपए की जो एनुअल पेंशन है वो तय कर दी गई थी। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे बंगाल कंट्रोल में आ गया है, नॉर्थ में लगभग मैक्सिमम कंट्रोल बन चुका है, अवध पर हालांकि इनडायरेक्टली कंट्रोल है,
लेकिन अवध को पूरी तरह से ही अपने कंट्रोल में कब करते हैं, तो 1856 1856 में जब डलहौजी रूल गवर्नर होता है, गवर्नर जनरल होता है इंडिया का, है ना, उस समय अवध को ये अपने नियंत्रण में कर लेते हैं, ठीक है। और उसका कारण बताया जाता है कि अवध के जो नवाब थे बाजिद अली शाह, वो ठीक तरह से रूल नहीं कर रहे हैं, वो ठीक तरह से शासन नहीं संभाल पा रहे हैं, तो एक प्रकार से बेड एडमिनिस्ट्रेशन के कारण अवध को ये अपने ईस्ट इंडियन टेरिटरी में शामिल कर लिया जाता है 1856 1856 में। और मुगल बादशाह तो इनके आधा इनका इनके ऊपर पूरी तरह से आधारित है ही, आश्रित हो ही चुका है, बंगाल इनके हाथ में आ ही चुका था पहले ही, प्लासी के समय से ही, बक्सर के टाइम पर और ज़्यादा कंट्रोल बढ़ गया, एडमिनिस्ट्रेशन भी हाथ में आ गया, 72 में पूरा ही प्रशासन हाथ में आ गया, और बाकी जो इंडियन स्टेट्स थे धीरे धीरे उन्हें भी कैप्चर किया है। तो उन्हीं उसी कड़ी में अब हम आगे बढ़ेंगे और अब हम अगली जो विक्ट्री है अंग्रेजों की उसके ऊपर बात करेंगे, जिसमें हमारा फोकस होगा पंजाब मैसूर, ठीक है, पंजाब और मैसूर में किस तरह से इन्होंने विक्ट्री हासिल की है उसके ऊपर अब हमारा गौर होगा, ठीक है।